नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई वॉन्ट टू नो। मैं आज हम बात करेंगे गोत्र के बारे में। दोस्तों, गोत्र का नाम आपने कई बार सुना होगा कि फलाने फलाने व्यक्ति का गोत्र ये है या हमारा गोत्र ये है, पर ये गोत्र क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है और क्या मायने होते हैं गोत्र के, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि समाज अलग अलग जातियों में, चाहे वो स्थानीय तौर पे हो या फिर परंपरागत तौर पे हो, जैसे लोगों की परंपराएं अलग होती चली जाती हैं, वैसे हमारे यहाँ जातियाँ भी अलग अलग बटी हुई हैं। तब दोस्तों, ऐसे में हर जाति में कुछ ऐसे वंश होते हैं जो कि अपनी एक अलग प्रमुखता रखते हैं, और यही वंश का एक नाम दे दिया गया गोत्र। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी जाति विशेष का जो एक विशेष वंश जो प्रसिद्धि प्राप्त होता था, उसके किसी भी एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति के नाम पर उस वंश का नाम रख दिया जाता था, जिसे गोत्र कहते थे। प्रारंभ में हमारे यहाँ 7 गोत्र जो थे फेमस थे, प्रचलन में थे, और गोत्र के किन किन नामों के आधार पर नाम रखे जा सकते थे, तो ये किसी भी गांव, पेड़, जानवर, नदी, व्यक्ति, फूल, कुल देवी, किसी के भी नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था और रखा जाता आ रहा है। तो ये थी गोत्र की वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाई, और मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर भी की। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानते तो होते हैं, लेकिन उनके मायने क्या होते हैं, उनके पीछे की कहानी क्या होती है, वो आपको नहीं पता होती है। ऐसे में जो हमारा चैनल आई वॉन्ट टू नो है, आपको ऐसी ही बातों से अवेयर कराएगा, जागरूक कराएगा। तो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।